महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि ये जो चैनल है बहुत पीछे रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे लाइए। हरी चर्चा होती है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कम से कम 10 सब्सक्राइबर जोड़िए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आप में देखिए अभी 2500 सब्सक्राइबर हैं, 10 जोड़ेंगे तो 25,000 हो जाएंगे। हर आदमी 10 जोड़ेगा, 25,000 होते हुए देर नहीं लगेगी। और आप ये सोचिए कि 25,000 लोगों के घर में सुबह 8 बजे हरी चर्चा हो रही है, कितना आनंद आएगा। और 1 मिनट का वीडियो भी बना के भेजिए भैया, और ये लिखिएगा इसके अंदर, मैंने अभी नए तरीके से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, तो जिन लोगों को शिकायत है कि आवाज नहीं आ रही है तो वो भी जो है इसमें बताइएगा कि ये आवाज अच्छी है क्या पहले वाली अच्छी थी। और अब कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भाई, जितना भी हो सके, है ना, आपका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा और मैं भी काम कर पाऊंगा। आज के वीडियो में एक ऐसा प्रसंग जिसको सुन के आपको बड़ा आनंद आया। मैं गुरु साहब के पास था, ये गुरु साहब का कई भी बातें, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं है भाई, बट ये आप सभी ने अनुभवित किया होगा। मधुमक्खियों के बारे में बात कि बहुत सारे लोग छत्ता बनाते हैं, छत्ता तो भंवरा भी बनाता है और भी कुछ प्राणी हैं जो बनाते हैं, लेकिन रस जो है मधुमक्खियों के छत्ते में ही क्यों होता है। भंवरा जो है वो क्या करता है कि एक अलग अलग खाने बनाता है और वो मधुमक्खियों से बड़ा छत्ता बनाता है, वैसा ही लगभग बनाता है वो, उसमें रस नहीं होता। लेकिन मधुमक्खियों के छत्ते में बड़ा रस होता है और वो बड़ा गुणकारी भी होता है, अमृत तुल्य होता है। पंचामृत में शहद की बड़ी महत्ता है, पंचामृत पे जो मेरा वीडियो आएगा आप देखिएगा पंचामृत की कितनी महत्ता है और पंचामृत में शहद की कितनी महत्ता है। देखिए आप, आपके कंडीशनर जिसको आपका बनता है उसमें मोस्ट ऑफ द कंडीशनर में शहद पड़ता है, दही पड़ता है, जो पंचामृत के दो मूल पदार्थ। तो मैंने गुरुजी से पूछा तो बोला भंवरा जो बनाता है वो अलग अलग बनाता है और मधुमक्खियां एक के ऊपर एक बैठ के जो है वो अपना छत्ता बनाती हैं, उनमें एकता होती है, प्रेम होता है, वो एक के ऊपर एक जुड़ जाती हैं, प्रेम होता है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है। तो रस बेटा जी प्रेम में है, छत्ते में नहीं। बात बड़ी समझने वाली है, हम ये बात अपने पे अगर अप्लाई करें तो जितना हम साथ में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, तो कितना रस था। एक आदमी कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे, प्रेम बहुत था। छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती ही रहती है, प्रेम बहुत था, आपस में जुड़ाव बहुत था। आज हम अलग अलग रहते हैं तो भंवरे वाला हिसाब किताब हो गया, प्रेम कहाँ रहा है, रस कहाँ है बिना प्रेम के। तो आज रस नहीं है जीवन में, हमारे रिश्तों में रस नहीं है, क्योंकि प्रेम ही नहीं बचा, जुड़ाव ही नहीं बचा। तो बिना जुड़ाव के रस कहां से आएगा भाई, बिना प्रेम के। ईश्वर से जब आप अपने प्रेम को अर्पित करते हैं तो रस निकलता है। जुड़े हुए तो ईश्वर से हम सारे ही हैं, आप मानो या ना मानो, हम उसी के अंश हैं, प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, तो हम तो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, रस नहीं निकलता। रस प्रेम में ही होता है। आप
गूढ़ता पूर्वक अगर सोचेंगे इस बात पे तो आपको इसका अर्थ समझ में आए। हम एक गांव में रहते थे, बड़े बड़े शहर विकसित नहीं हुए थे, तो हर गांव वालों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते थे, प्रेम था। तो गांव का एक आदमी को कुछ हो जाता था, पूरा गांव इकट्ठा होकर लड़ने को तैयार हो जाता, प्रेम ही तो था वो। आपस में मतभेद तो होते हैं सब जगह, प्रेम इतना था। आज गांव में किसी का कोई सिर भी फोड़ दे बाहर का आके तो कोई बोलता नहीं है, हो गया यार अपना इनका कुछ, प्रेम नहीं बचा। एक दूसरे के खेतों की लावणी करते थे, गीत गाते थे, त्योहार मनाते थे साथ में, जीवन में रस था, सोसाइटी में रस था, प्रेम था। प्रेम ही नहीं बचा तो रस कहां से बचेगा, आएगा कहां से रस। बहुत से लोगों को तो हमारे जो छोटे छोटे तीज त्योहार हैं उनका जो आनंद पता ही नहीं क्या है, और आजकल ऐसा आनंद रहा भी नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में बिजी हैं, प्रेम नहीं है तो आनंद कहां से आएगा। आनंद प्रेम में ही है भैया। प्रेम करो दोस्तों, स्वयं से, ईश्वर से, ईश्वर की हर चीज से प्रेम करो। हर व्यक्ति हर जीव ईश्वर का ही अंश है, प्रकृति का कण कण ईश्वर का है, सबसे प्रेम करो, जुड़ो उससे, आपको हर जगह आनंद आएगा। और ना आए तो आप मुझसे कहना कि आचार्य जी आपने कहा था मुझे आनंद नहीं आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप जहां पे वीडियो बनाते हैं पक्षियों की चहचाहट है, उनका शोरगुल है, कईयों को उसमें सुनाई कम देता है, लेकिन ये प्रेम है, इन पशु पक्षियों का प्रेम है मुझसे जुड़ने का या मेरा उनसे जुड़ने का, जो आप तक पहुंचता है तो आप भी आनंदानुभूति करते हैं। मुझे तो आता ही है, उनको भी आता है, और ये धरती उनकी भी है, हमारी अकेले की नहीं है। और आपको क्या लगता है, ये भी मेरी बातों में हुंकारा भरते हैं, गिलहरियां आती हैं यहाँ पे, सुनती हैं बैठ बैठ के, जैसे आप वीडियो पे सुन लेते हैं, उनके लिए यहीं बैठ के सुनने का सुअवसर है। कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, कोयल इकट्ठी हो जाती है, और पशु पक्षी सब इकट्ठे हो जाते हैं जब वीडियो बनाता हूँ, और वो बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं, अपनी बातें कहते हैं। कई बार ध्यानावस्था में होता हूं तो ध्यान लगाते हैं यहाँ बैठ के। उत्तराखंड की स्थिति तो ये है कि जब मैं बर्फ जम जाती है और जब भी मैं समाधि की अवस्था में होता हूँ ध्यान में, तो स्नो लेपर्ड्स आ जाते हैं, वो बैठ के वो भी समाधि लगाते हैं। ये प्रेमी तो है और क्या है। प्रेम करो भैया, प्रेम में बड़ा रस है। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ज्यादा बोल के फायदा नहीं है। साधुता को जानिए, जाको सुभ सुभाए, सार सार जो गही लय थो देवड़ाए, तो सार की बात तो हमने कर ली है, सार प्रेम में ही है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, और एक मिनट का वीडियो बना के भेजिए, कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भैया, बार बार रिक्वेस्ट है। और ये जो पेज है एस्ट्रो निशांत भारद्वाज, ऑलमाइटी महादेव और द फैक्ट स्पीकर के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। महादेव।